रामपुर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान व उनकी पत्नी तजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को अपर जिला सत्र न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार की अदालत ने जेल भेज दिया है। स्वार सीट से विधायक रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 24 फरवरी को तारीख पर पेश न होने पर अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और रामपुर विधायक तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने रामपुर में इसकी मुनादी भी करवाई थी। बुधवार को तीनों कोर्ट के सामने पेश हुए और जमानत याचिका डाली। अपर जिला जज धीरेन्द्र कुमार ने आजम, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तीनों नेताओं को 2 मार्च तक जेल में रहने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। आजम के खिलाफ 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 दिसंबर को रामपुर एडीजे की कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीम फातिमा और अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ CRPC की धारा 82 के तहत उद्घोषणा का नोटिस जारी किया था। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव में नामांकन के समय अब्दुल्ला की आयु 25 वर्ष नहीं थी। उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। आरोप सही पाए जाने पर स्वार सीट से अब्दुल्ला खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।